So what you just saw is a small glimpse of my Darjeeling tour. And in this video, you are going to know all the details about my journey. So to know about that, watch the video till end. Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am your travel guide Madhu aur aap dekh rahe ho mera YouTube channel The Sleepy Tinker. So these are the views that we imagine to get while traveling to Darjeeling, right? But you know what I got instead? I got this beautiful view of Foggy Mall. I got the crystal clear view of Queen of the Hills. I got a rainy street of Thursday evening, and I got the peach dark street of Darjeeling at night. I suffered for food. I went to restaurant to restaurant in that Thursday. बहुत घूमा मैंने, सच में बहुत घूमा, बट खाना मिलना वॉज वेरी टफ. बिकॉज आप सभी को मैं बता दूँ, थर्सडे को पूरा दार्जिलिंग बंद रहता है और उस दिन खाना मिलना इज़ क्वाइट अ चैलेंज. हाँ, तो कहानी मैंने छोड़ा था लामाहट्टा में. लामाहट्टा की भी दोनों वीडियो मैंने बनाई हैं. अगर आपको वो वीडियो देखना है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. होमस्टे के सामने से ही एकदम मुझे मिल गया शेयर कैब और सिर्फ 250 रुपीस देते ही मैं पहुंच गई दार्जिलिंग टैक्सी स्टैंड तक. और पहुंच के भूख तो बहुत लगा था, तो खाने चली गई एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है नोरियांग टिबेटियन किचन. ये मेरा दार्जिलिंग का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है. ओपन किचन के साथ आपको इतना डिलीशियस और ऑथेंटिक टिबेटियन फूड मिलेगा, यू कैन नॉट इमेजिन. दिस इज़ द बेस्ट टिबेटियन रेस्टोरेंट इन दार्जिलिंग, ट्रस्ट मी. इफ़ यू वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो. फिर मैं पहुँच गई मेरा गेस्ट हाउस, क्राउनविल गेस्ट हाउस. रूम बहुत ही अच्छा था, पर इस गेस्ट हाउस के बारे में मुझे कुछ और भी बोलना है. मेरा कुछ ओपिनियंस है जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो अगर वो देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा. बैग रख के थोड़ा फ्रेश होके फिर निकल गई मैल घूमने. अच्छा, आप ही बताइए, आप में से शायद बहुत जन पहली बार जा रहे हो, शायद बहुत जन पहले जा चुके हो. मैल कभी पुराना होता है क्या? कभी नहीं होता है. तो आप जितना भी घूम लो वो उतना ही खूबसूरत लगता है, चाहे वो कोई सा भी शहर का महल हो, चाहे वो दार्जिलिंग का हो, सिक्किम का हो, या फिर बाकी तो मैं गई नहीं अभी तक. उतना ही सुंदर लग रहा था महल, एकदम चकाचक फॉरेन जैसा. और धीरे धीरे भूख भी लगने लगा मुझे फिर से. आप शायद सोच रहे हो कि ये लड़की कितना खाती है. हाँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ. मैं अकेले दो या तीन जन का खाना तो आराम से खा जाऊंगी, सो प्लीज़ डोंट जज. हाँ, चिकन मोमो इन द हाउस. फिर कुछ मैंडेटरी फोटोज फ्रॉम ग्लेनरीज एंड ऑब्वियसली माई फेवरेट डेजर्ट ऑफ ऑल टाइम. स्पेशली जो ग्लेनरीज में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये खाना चाहिए ही चाहिए, जो कि है चीज़ केक, ब्लूबेरी चीज़ केक. मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है. मुझे आप सभी से यही बोलना है कि आप अगर पहली बार जा रहे हो दार्जिलिंग तो प्लीज़ डू विज़िट ग्लेनरीज एंड टेस्ट दिस अमेजिंग डेजर्ट कॉल्ड ब्लूबेरी चीज़ केक. एंड विद दैट माई डिनर वॉज डन एंड आई वॉज रियली रिफ्रेश्ड. आराम से सो के आई वॉज रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. दूसरा दिन का वेदर एकदम अलग था. सुबह से ही लगातार बारिश हो रहा था, बादल एकदम सामने थे, तो दूर का कुछ दिख ही नहीं रहा था. मेरे पास छाता नहीं था और मेरा जो गेस्ट हाउस है उसमें
कोई डाइनिंग फैसिलिटी भी नहीं था, तो मुझे बार बार बाहर आना पड़ रहा था। दैट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। पर पहाड़ों में ना बारिश भी बहुत खूबसूरत लगता है, और उसके साथ अगर आपको मिल जाए गर्मा गर्म चिकन प्लेटर फ्रॉम केविंटर्स, एंड विद दैट गेस व्हाट, गर्मा गर्म दार्जिलिंग चाय, तो क्या बात क्या बात। तो ब्रेकफास्ट खत्म होते ही चलने लगी महाकाल मंदिर की तरफ। मैं पहले भी दार्जिलिंग आ चुकी हूँ, पर उस टाइम ना ये मिस हो चुका था, तो इस बार मुझे वो एकदम करना ही था। तो चलने लगी, वो ना बहुत चढ़ाई है तो प्रॉब्लम भी बहुत हो रहा था, सांस फूल रहा था, पर इट वॉज फन। और जो मंदिर है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आपको क्या ही बताऊँ। आपको दिख ही जाएगा थोड़ी देर में कि मंदिर एक्चुअली में सुंदर है, और इतना पीस मिलता है ना उधर, मतलब एकदम शांत चुपचाप, सिर्फ पंछियों की आवाज़ आएगी और चैंटिंग की आवाज़ आएगी, और जो घंटियाँ बजती है मंदिर में उसकी आवाज़ आती है। तो मंदिर वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप पैदल ना जा पाओ तो पीछे से गाड़ी ले जाने का भी जगह रास्ता है, जो कि मुझे पहले नहीं पता था, तो अब आप उस तरफ से भी जा सकते हो अगर आपको पैर में प्रॉब्लम है या फिर आप ज़्यादा चल नहीं सकते हो। मंदिर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर टू बी फ्रैंक मुझे समझ नहीं आया कि वो मंदिर एक्चुअली में कौन से रिलीजन का है, बुद्धिस्ट का है या फिर हिंदूज का। वहाँ पे मुझे दोनों धर्म के ही भगवान दिखे। तो अगर आपको इस मंदिर के बारे में कुछ भी डिटेल में पता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मुझे जानने में अच्छा लगेगा। मैं जहाँ भी घूमने जाती हूँ आई जस्ट मार्क अ स्पेशल प्लेस ओनली फॉर मी, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पीसफुल लगता है, एंड दिस इज़ द प्लेस जो मुझे दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा पीसफुल लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ट्रस्ट मी। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पुट ऑन योर ईयरफोन्स टू गेट द बेस्ट एसेंस ऑफ दिस वीडियो।
फिर चलने लगी। पता नहीं कहाँ जाना है और ये रास्ता कहाँ जाता है, पर हाथ में टाइम था और रास्ता तो खूबसूरत था ही। तो चलने लगी और सिर्फ कुछ सोचे समझे बिना चलने लगी। पंछियों की आवाज़ और साइड में खूबसूरत सीनरी के साथ फिर मैं चलते चलते पहुंच गई मैल में। और वहां पे इस बार मुझे कुछ नया दिखा, जो कि है गोल्डन टिप्स का ये ब्रांड न्यू कॉफ़ी हाउस। और ये इतना एक खूबसूरत प्रॉपर्टी है कि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये इसका लोकेशन मुझे ग्लेनरीज और केविंटर्स से भी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ से डायरेक्टली आपको कंचनजंगा व्यू मिलेगा, पर मुझे नहीं दिखा था क्योंकि मैं रेनी सीजन में गई थी। अगर आपको भी देखने को मिलता है कंचनजंगा यहाँ से, तो प्लीज़ फ़ोटोज़ क्लिक करना और वो फ़ोटो मेरे साथ इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर करना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ शेयर करना, मुझे देखना है एक्चुअली में। है ना जगह बहुत खूबसूरत। और आप अगर वहाँ पे जाओ तो आपको बहुत वैरायटी की दार्जिलिंग चाय मिलेगा। आप वहाँ पे चाय पी भी सकते हो और चाय पत्ती भी खरीद सकते हो। एंड द रेस्टोरेंट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। ब्रेकफास्ट इतना हेवी था कि लंच में भूख नहीं लगा, तो रूम में आके बस फ्रेश होके एक छोटा सा नैप ले लिया। शाम में चाय और पकौड़े के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया मैंने खुद रूम के अंदर। और रात में खाना ढूंढने बाहर निकली। हाँ, आपने ठीक ही सुना, खाना ढूंढने, क्योंकि थर्सडे को एक अजीब ही माहौल होता है दार्जिलिंग में। कोई भी टूरिस्ट आपको हार्डली दिखेगा, कोई शॉप्स रेस्टोरेंट्स कुछ नहीं खुला होता है। और खाना ढूंढना वॉज रियली रियली अ ट्रिकी जॉब। जहाँ पे खाना मिला, खाना एकदम अच्छा नहीं था। और फिर लौटते वक्त तो क्या ही बताए, मतलब इट वॉज अ टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस। रास्ते में एक भी आदमी नहीं दिखा मुझे, एक भी नहीं। आप देख ही सकते हो कि सब दुकान बंद हैं, एक भी इंसान नहीं दिख रहा है, टूरिस्ट नहीं दिख रहा है। एंड इट वॉज़ क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। नेक्स्ट डे को तो हमें फिर घर भी आना था, तो एकदम सुबह उठ के थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग हमने कर लिया। और ये जो सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ से एक प्लेट थुपका और एक प्लेट मोमो एज ब्रेकफास्ट, एज लंच, जो भी आप बताओ, खा के निकल गई वहाँ से दार्जिलिंग से एनजेपी की तरफ। So this was my Darjeeling tour. Hope you liked it. अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।